हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखिए इस तरह के शॉर्ट बुक लेके आई हूँ। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके के दिखेंगे। इनको बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप बिगनर है, अभी आपने नीटिंग सीखी हुई है, तो आप इनको इजीली बना सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही इजी है। आज मैं आपको इनका बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। इनको बनाने के लिए ये मैंने दो कलर का धागा यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, आप चाहे तो इसे एक कलर से भी बना सकते हैं। मैंने इनको बनाने के लिए दो कलर यूज़ किए हुए हैं। इनको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की नीडल यूज़ की हुई है, और जो धागा मैं सॉक्स बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, वही धागा मैंने इन सॉक्स को बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की नीडल यूज़ की हुई है। ये मैंने जिनके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर है, उनके लिए ये मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ कम या ज़्यादा है, तो आप फंदों को कम या ज़्यादा अपने पैर के साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलो फिर आज मैं आपको इनको बनाना बताऊँगी कि इनको हम किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के बनते हैं। ये बैक साइड का पोर्शन है, ये हमारा फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। इनको बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने 46 फंदे डाले हुए हैं। ये 5-6 नंबर, जिनके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर है, उनके लिए ये परफेक्ट होंगे। अगर आपके पाँव का साइज़ ज़्यादा है, तो आप फंदों को बड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर से कम है, तो आप फंदों को कम कर सकते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग से ही हम ये देखिए, ये धागा मैंने जोड़ लिया है। आप जिस तरीके से फंदे डालते हैं, उस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं। ये मैंने 46 फंदे डाल दिए हैं। अब मैंने ये देखिए, ये दूसरे कलर का धागा जोड़ लिया है। स्टार्टिंग ये देखिए, स्टार्टिंग से हम इस वाले कलर से फर्स्ट फंदा सीधा, दो फंदे हमारे सीधे आएंगे। इन दो फंदों को हमने दो का एक बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक। इस धागे को इस तरीके से पकड़ के अब हमने दूसरे धागे से बुनना है। 8 फंदे हमने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और 8। 8 फंदे सीधे, 8 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी ओर, यहाँ पर हम जाली डालेंगे। एक धागा फिर से अपनी ओर, एक जाली डालते हुए 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे सीधे, अब हमने दो फंदों का एक बनाना है। इस साइड से हमने दो फंदों का एक, अब हमने पीछे से दो फंदों का एक फिर से बनाना है। एक बार आगे से सिलाई डाल के, एक बार पिछली तरफ से, इस तरीके से दो फंदों का एक बनाना है। ये देखिए, ये हमारे बीच के फंदे हैं। दो फंदे हमने आगे साइड से सिलाई डाल के दो का एक बनाया है, और दो फंदे हमने पीछे से सिलाई डाल के दो का एक बनाया है। अब हमने यही जो हमने पीछे
ये फंदे बुने हैं उसी तरीके से अब हमने यहाँ पर 8 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर जाले डालते हुए ये इस साइड वाले रो हमने रिपीट करनी है। ये देखिए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे यहाँ पर एक जाली, धागा फिर से अपनी ओर एक जाली यहाँ पे डालते हुए 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने यहाँ पर दूसरा धागा जोड़ना है। ये देखिए साइड के फंदे हम दूसरे धागे से बुनेंगे। अब हमने यहाँ पर अलग से धागा जोड़ना है, यहाँ पर हमने अलग से धागा जोड़ा हुआ है, यहाँ पर अब हम अलग से धागा जोड़ेंगे। दोनों साइड हमने अलग अलग धागे जोड़ने हैं। अब हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक बनाना है इस साइड से, पीछे से अब हमने इस तरीके से 2 फंदों का सिलाई डालते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। ये देखिए दो फंदों का एक, अब हमने ये फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा हमने हर रो में ये उल्टा बुनना है। ये देखिए इस तरीके से अब हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने नेक्स्ट जो हमारे रॉन्ग साइड की रो है ये हमने पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा हम एज स्टिच निकालेंगे, धागा अपनी ओर इनको हम अब उल्टा उल्टा बुन के इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। तीन फंदे इस धागे से नेक्स्ट के आगे के फंदे, धागा इस साइड से हमने क्रॉस करते हुए अब हमने दूसरे वाले धागे से आगे फंदे बुनने हैं। जो फंदे हमने जिस धागे से बुने हैं वो उसी धागे से हमने बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। उल्टी रो हमने पूरी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमने फिर से इसको इसी धागे से जो हमारा दूसरा धागा है इस तरीके से क्रॉस करना है। अब हमने ग्रे धागे से ही इनको बुनना है, लास्ट के फंदों को। जो फंदे हमारे जिस धागे से हमने बुने हैं उसी धागे से हमने इनको बुनते हुए जाना है। अब हमारी थर्ड रो में हम ये देखिए फर्स्ट फंदा एज स्टिच, एक फंदा सीधा, इनको अब हमने 2 फंदों का एक बनाना इस तरीके से सिलाई डालते हुए। ये देखिए
दूसरा फंदा हमने ये देखिए 8 फंदे हमने इस धागे से बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी ओर यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा फिर से अपनी ओर यहाँ पर जाली डालते हुए 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने बीच के फंदे घटाने हैं। ये देखिए 2 फंदे हमने इस तरीके से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। अब हमने सिलाई को इस तरीके से पीछे से डालते हुए 2 फंदों का एक बनाना है इस तरीके से। ये देखिए अब हमने बाकी 8 फंदे 8 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, यहाँ से फिर से जाली डालते हुए 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने दूसरे वाले धागे से इस धागे से 2 फंदों का अब हमने पीछे से इस तरीके से सिलाई को डालते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदों का एक एक फंदा सीधा लास्ट का फंदा धागा आगे करते हुए हमने हर रो में उल्टा बुनना है। हमने रो पूरी कंप्लीट कर दी है। ये देखिए जो फंदा हमने जिस धागे से बुना है उसी धागे से हमने इनको बुनना है। अब हमने इसको इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की पूरी रो हमने ये वाले फंदे इस धागे से उल्टे, बाकी ये दूसरे धागे से उल्टे बुनते हुए हमने इसको पूरी रो को कंप्लीट करना है। हमने टोटल अब हमने इसी तरीके से इसको बुनते हुए हमने यहाँ पर 30 जालियाँ कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये मैंने ये यहाँ से बुनते हुए यहाँ पर टोटल 30 जालियाँ कंप्लीट की है। इसी तरीके से हमने बुनते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। 30 जालियाँ बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब हमने इसको सीधी साइड हमने मैंने आपको जैसा बताया वैसा बुनते हुए 30 जालियाँ तक हमने इसी तरीके से बुनना है। उल्टी रो हमने पूरी उल्टी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करनी है। 30 जालियाँ डालने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये 30 जालियाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी 30 जालियाँ मैंने डाल के कंप्लीट कर ली है। जो हमारे फंदे हैं इनको अब हम बंद करेंगे। ये फंदे हमने जिस धागे से बुने हैं उसी से ही हमने ये फंदे बंद करने हैं, उसी धागे से हमने ये फंदे बंद करने हैं। देखिए फर्स्ट फंदा हमने स्टिच निकाल दिया, सेकंड फंदा बुन लिया। अब पहले वाले फंदे को अब हम इसके ऊपर से इस तरीके से इनको बंद करेंगे। सभी फंदे हमने इसी तरीके से बंद करने हैं। ये देखिए अब हमने इस धागे को यहीं पर ही छोड़ देना है। अब हमने ये देखिए रेड वाले धागे से इनको बंद करना है। इस धागे को अब हमने कट कर लेना है। ये देखिए अब हम इस धागे से इन सभी फंदों को बंद करेंगे। इस तरीके से हमने सभी फंदों को बंद करते हुए जाना है।
अब हमने लास्ट में जो ये देखिए ये हमारा ये वाला धागा, अब हमने इस वाले धागे से ये फंदे बुने हैं, अब हमने इसी धागे से इनको बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से अब हमने इसी धागे से इसको बंद करना है। रेड वाले धागे को अब हमने थोड़ा सा लंबा कट करके काट देना है ताकि हमने इसी धागे से इसको सिलते हुए ये हमारा धागा यूज हो सके। इतना एक धागा अब हम इसको कट कर लेंगे, ये हमारा सिलने के काम आएगा। देखिए इस तरीके से अब हमने इनको भी बंद कर लेना है। देखिए अब हमने इस धागे को भी कट कर लेना है। और इसको अब इसमें इस तरीके से डाल के देखिए खींच लेना है। ये देखिए हमारा शॉर्ट बूट बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसको सिलना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको सिल के तैयार करना है। इन शॉर्ट बूट को अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। इनको अब हम ये देखिए ये हमारा शॉर्ट बूट सिलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको सिलने के लिए हम जिस साइड से हमने ये देखिए इस साइड से हमने फंदे डाले थे, ये देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा धागा यहाँ पर इस तरीके से बांध के रखा था। इसको अब हम इस तरीके से ये हमारा सीधी साइड का पोर्शन है, ये हमारा रॉन्ग साइड का पोर्शन है। इसको हम इस तरीके से ये हमारा जो हमारा फंदों वाला ये देखिए इस साइड से हमने फंदे डाले थे, इस साइड से हमारा अंगूठे वाले साइड आएगा। इसको हमने इस तरीके से मिलाते हुए सिलना है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से इस तरीके से इस वाले को हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलना है। ये हमारा बीच का डिज़ाइन का एरिया है, इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलना है। और इस साइड के इसको हमने यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए सिलना है। सबसे पहले हम इस धागे को निकाल देते हैं। ये हमने ये धागा निकाल दिया है और धागे को कट कर लिया। इसको बांधने के बाद इसको हमने इस तरीके से हाफ पोर्शन को यहाँ पर बीच वाले डिज़ाइन के ये देखिए यहाँ पर इसको मिलाते हुए सिलना है। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर मिलाते हुए सिलना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर मिलाते हुए सिलना है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको इसी तरीके से इनको मिलाते हुए सिलना है। ये हमारा ये पोर्शन हमने सिल दिया है इस तरीके से। अब हमने इस धागे को यहाँ बीच तक लाना है इस तरीके से। ये
ये हमने धागा यहाँ पर बीच तक ला दिया है। अब हमने इस साइड के पोर्शन को इस तरीके से सिलना है। ये देखिए, इसको इस तरीके से यहाँ पर मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलना है, जिस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सिला है। अब हमने इसको इस वाले पोर्शन में इस तरीके से यहाँ पर इस वाले डिज़ाइन के साथ मिलाते हुए इसको सिलना है। इस तरीके से ये देखिए, इसको मैं यहाँ तक सिल के फिर आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये हमारा अंगूठे वाले साइड का पोर्शन हमने ये सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हमने बैक साइड का जो हमारा, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है जो हमने सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हमने ये बैक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक सिलना है। ये देखिए, ये मैंने सिला हुआ है। अब हम इसको यहाँ से इसको हमने इस तरीके से सिलना है। आगे वाले इसको हमने इस तरीके से मिलाते हुए सिला था। अब हमने बैक पोर्शन को यहाँ से ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मिलाते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलना है। देखिए, इस तरीके से हमने इसको मिलाते हुए सिलना है। इस तरीके से हमने इसको मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलना है। यहाँ तक सिलने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। बैक पोर्शन हमने यहाँ से यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसको, जो हमारा ये फ्रंट पोर्शन है, यहाँ से इसको इस तरीके से सिलते हुए यहाँ से सिलना है। और यहाँ तक जितना हमें पाँव डालने के लिए स्पेस चाहिए उतना हमने सिल के इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से अब हमने ये ग्रे वाले धागे से ही इसको इस तरीके से सिलना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने ग्रे धागा इसमें अटैच कर लिया है। अब हमने इसको यहाँ से इस तरीके से फंदों से, ये देखिए, इस तरीके से सिलते हुए इसको, ये देखिए, कंप्लीट करना है। इस तरीके से हमने इसको सिलना है।
ये देखिए इसको भी हमने उतना ही सिलना है जितना हमने दूसरा, ये देखिए इसको सिलना है, दूसरे वाले सॉक्स को हमने जितना सिला उतना ही हमने इसको सिलना है। इस तरीके से हमने इसको नापते हुए ये देखिए यहाँ तक हमारा ये सिल के कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको यहीं पर ही इस धागे को एक बार फिर से इसको इस तरीके से डालते हुए यहाँ पर इसको इस तरीके से डाल के ये देखिए इस तरीके से टाइट कर लेना है। एक बार मैं फिर से इसको इस तरीके से डाल के यहाँ से सुई को निकाल के इसको ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको बंद कर लिया। अब हम इस धागे को थोड़ा सा ऊपर को वापस इन फंदों में डालते हुए इस तरीके से वापस सुई को ले जाएंगे और थोड़ा सा इस धागे को ऊपर ले जाकर यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद मैं अब इसको शॉर्ट वुड को सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा शॉर्ट वुड कुछ इस तरह, ये हमारा शॉर्ट वुड कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। पहनने के बाद ये शॉर्ट वुड कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये देखिए ये हमारे शॉर्ट वुड बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।